मोदी और योगी के पैर छूकर के टिकट मांगने वाला सुरेंद्र, सुरेंद्र उस धरती का रहने वाला है जिस धरती में याचना नहीं होती। बाबा की धरती, बाबा की धरती सुरेंद्र सिंह के रोटी और धोती को पसंद करती है। मेरे मन में था इच्छा सिंह जी, इच्छा एक बार यदि दुनिया कहती है कि गुजरात मोदी जी का है, दुनिया कहती है कि गोरखपुर जोगी जी का है, तो मेरा भी शौक है। अरे पूछ लोगों, यदि जीवन में ये बात कहवा दिया तो वचन देता हूँ कि तुम्हारे सम्मान की रक्षा करने के लिए जान भी देना पड़ेगा। इसलिए पूछ लोगों, आज आप सबने संदेश दे दिया दिल्ली वालों को, ये दिल्ली वालों ध्यान से देख लो, चश्मा अपना उतार के देखो, लगा के देख लो, जो इच्छा हो जैसे हो देख लो। द्वाबा की धरती, द्वाबा की धरती सुरेंद्र सिंह के रोटी और धोती को पसंद करती है, राजनीति के बेस्याओं को पसंद नहीं करती है, सुरेंद्र सिंह के धोती और लंगोटी को पसंद करती है। लेकिन आप सबसे मुझसे लोग, बहुत लोग अभी सपा के लोग परसों कहे कि विधायक जी अखिलेश यादव जी के यहाँ चलना पड़ेगा, चल करके आपको टिकट मांगना पड़ेगा। मैंने स्पष्ट कह दिया कि सुरेंद्र उस धरती का रहने वाला है जिस धरती में याचना नहीं होती। याचना नहीं करूंगा, जरूरत होगा तो अपने जनता के पैरों को छू करके प्रणाम कर दूंगा, लेकिन किसी गद्दार का पैर। आज हम मोदी और जोगी के पैर छू करके टिकट मांगने वाला सुरेंद्र, ए महाराज अभी हम रणनीति पूछ रहे हैं जी। मैं द्वाबा की जनता के टिकट पर चुनाव लड़ूंगा और दिल्ली वालों को संदेश दूंगा कि जनता का जो दिल जीतता है उसको टिकट की जरूरत जाएगी। ये टिकट आके क्यों कटा, ये जो है हमारे यहाँ का भूमाफिया वीरेंद्र सिंह सांसद रो करके कहा है कि हमको जो है सुरेंद्र सिंह की इज्जत नहीं करते हैं और इनके कहने में लोग आकर के शीर्ष नेतृत्व जो हमारा टिकट काटा है। दूसरा उसका उस उद्देश्य है कि अंचल को चुनाव जिता देंगे तो द्वाबा के सभी गरीबों का जमीन में कब्जा कर लूंगा, लेकिन ध्यान रखो सुरेंद्र सिंह जब तक जीवित है द्वाबा की धरती पर कोई जमीन कब्जा नहीं कर पाएगा। मैं भाजपा के प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया हूँ और अब जनता के आशीर्वाद के बल पर जनता की सेवा करूंगा जीवन जब तक रहेगा।